हे फाइंडर्स, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं कि पंजाब का नाम पंजाब क्यों है। क्या कभी आपने सोचा है, अपना दिमाग लगाया है कि पंजाब नाम के पीछे की कहानी क्या है? यदि आपने नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। आइए जानते हैं फाइंडर्स, पंजाब का नाम पंजाब यहाँ पर बहने वाली 5 नदियों के कारण रखा गया है। एक्चुअली में पंजाब शब्द का अर्थ ही होता है 5 नदियों का स्थान, जो कि इस राज्य में बहती भी हैं। और वे 5 नदियाँ हैं झेलम, ब्यास, सतलज, चिनाब और रावी। अच्छा, अब हमने पंजाब नाम की कहानी तो जान ली, आइए अब इस राज्य के बारे में हम अपना नॉलेज और बढ़ाते हैं। फाइंडर्स, पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां पर गेहूं, कपास, चावल और गन्ना भरपूर मात्रा में उत्पन्न होता है, और इसीलिए इस राज्य को अन्न का भंडार भी कहा जाता है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, जो कि 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इस राज्य की मौजूदा जनसंख्या 3,07,00,000 के आसपास है, जिनमें से 58% सिख हैं। फाइंडर्स, पंजाब का नाम पंजाब कैसे पड़ा और पंजाब के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते रहेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए, तब तक अपना ध्यान भी रखें। गुड बाय, टेक केयर और नमस्कार।